दोस्तों आगळ વધીએ પહેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન જરૂરથી દબાવો અને હા બેલ બટન પણ જ દબાવો જેથી દરેકે દરેક વિડિયો જલ્દી મળી શકે। विद्यार्थी मित्रों अगाऊ आपणे संकर संख्यानी शुरुआतनी थोड़ी चर्चा आपणे करी के संकर संख्यामो समानता सरवाळो बादबाकी गुणाकार कई रीते थाय पछी संकर संख्याना माननी अनुबद्ध संकर संख्यानी आ बधी आपणे थोड़ी थोड़ी चर्चा करी छे। मित्रों हवे एनी अंदर आपणे स्वाध्यायना 6.1 स्वाध्याय जे छे मित्रों एना 1-10 दाखला आपणे अगाउना लेक्चर में गणेला छे अने ए 10-10 दाखला केवा छे के सॉरी स्वाध्याय 5.1 ए 10-10 दाखला केवा छे के आपेली संकर संख्या ने ए प्लस आई बी स्वरूप में दर्शाओ। मित्रों कोई पण संकर संख्या होय तो सौथी पहला एने ए प्लस आई बी स्वरूप में फरजियात दर्शावी पड़े पछी कोईपण दाखलो आगळ वधे। हवे एनी अंदर आपणे वात करी के विस्तरण होय तो वर्गनु घननु विस्तरण करो, चार घात होय तो वर्गनो वर्ग करीने विस्तरण करो अथवा वर्ग गुण्या वर्ग करीने विस्तरण करो, कौंस होय कौंस छोड़ दो, पछी आईनी घात आवे तो मित्रों आईनी घात बे प्रकारे होय, आईनी एकी घात होय तो एक आई छूटो पड़ो अने बाकीनी घात एमना एम राखो, एटले एकी घात होय तो एक घात छूटी पाड़ो एटले आई छूटो पड़ो अने बाकीनी घात एमना एम कोई के कई रीते तो हारते। धारो के आईनी 13 घात होय तो एक आई छूटो पाड़ी देवानो अने पछी आने वर्गना स्वरूप में लखी देवानो तो वर्गनो घन तो आई स्क्वेर नु मूल्य तमे जाणो छो तो जवाब शू आई गयो माइनस आई, एटले एकी घात होय तो एने एक आई छूटो पाड़ी पछी एने वर्गना स्वरूप में लखो अने बेकी घात होय तो डायरेक्ट एने वर्गना स्वरूप में तमे लखी नाखो अने ए घातना आपणे हटावो। एना पछी मित्रों जो आई छेद में होय, आई शू होय छेद में तो छेद में जो एकलो आई होय आ रीते समझवा माटे एकलो आई होय आ रीते तो सिंगल आई होय तो तमारे शू करवानुं आई वडे गुणीने भागी नाखवानुं। जो छेद में मात्र आई होय तो आई वडे गुणो अने आई वडे भागो। अने बीजो मुद्दो तो अहीं आपणे लखीए छे तो जुओ मित्रों अहीं आपेल संकर संख्या ने कोई नाम आपो होय तो आपो जेड बराबर 4-3 आई छे। जे संकर संख्या आपेली होय ए संकर संख्या ने अपने झेड नाम आपी दो कारण के अगाउ आपणे एने झेड कीधेलू छे। मित्रों तो हवे शू जोईए छे जुओ के अहीं संकर संख्या झेड नो गुणाकार माटे नो व्यस्त जोजो मित्रों। એટલે જો કોઈ કે સાહેબ આ ખબર ના પડી તો કોઈ પણ એક મિત્રો સંકર સંખ્યા લો ઝેડ, એનો કોઈ પણ સંકર સંખ્યા સાથે ગુણાકાર લો, એટલે ધારો કે એ લો ઝેડ 1 તો અહીંયા શું આવે 1 1 કેમ તો ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા। તો આ શું થયો મિત્રો જેમ આપણે નથી લખતા આ રીતે મિત્રો કે સંખ્યા અને એની વ્યસ્ત સંખ્યા નો ગુણાકાર એ હંમેશો તટસ્થ સંખ્યા થાય। તમે જાણો છો મિત્રો જો સંખ્યા 5 5 નો વ્યસ્ત 1 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 5 તો એનો જવાબ શું આવ્યો
एक तो मित्रों जो संख्या अने एनी व्यस्त संख्या ध्यान थी समझो मित्रों संख्या अने एनी व्यस्त संख्या एनो गुणाकार केटलो थशे तो तटस्थ संख्या जेटलो तो आ एक मुद्दों खूब ध्यान थी समझो एम अहीं जो मित्रों अहीं वास्तविक संख्या होय अहीं संकर संख्या होय तो संख्या संकर संख्या अने एनी व्यस्त संकर संख्या नो गुणाकार शू थयो वन तो जेड वन बराबर शू लखाय मित्रों वन बाय जेड तो शू लखाय संकर संख्या जेड नो गुणाकार माटे नो व्यस्त एले एने संकेत में लखाय वन अपॉन जेड तो जेड नी किंमत फोर माइनस थ्री आई हवे मित्रों तमे जाणो छो के वन बाय फाइव होय तो फाइव ने अंश में लई जवा तो फाइव नी केटली घात लखाय माइनस वन तो जेड नी केटली घात लखाय माइनस वन हवे मित्रों आम मैं तमने हाल बात करी के संकर संख्या नी अंदर छेदमो आई वालू पद चाले ना तो छेदना आई वाला पद ने अपने दूर करवू पड़े तो छेदमो आई वालू पद होय अने सिंगल पद होय तो जे पद होय एना वडे गुणो अने भागो पण छेदमो जो संकर संख्या होय तो मित्रों एनी अनुबद्ध संकर संख्या वडे गुणो अने भागो तो आनी अनुबद्ध संकर संख्या शू थाय फोर प्लस थ्री आई मित्रों अनुबद्ध संकर संख्या की व्याख्या आपणे शू लखी के संकर संख्या जे तमने आपेली होय एमो आई वाला पदनु चिन्ह बदलो बाकीनु एमना एम तो आई वाला पदनु चिन्ह बदलो तो जे तमने मळे एने कहेवाय अनुबद्ध संकर संख्या तो बराबर फोर प्लस थ्री आई हवे मित्रों तमे जाणो छो ए सूत्र के ए माइनस बी समझवा माटे तो एनी अनुबद्ध संकर संख्या शू थाय ए प्लस बी तो आना अवयव शू पड़े पहला पद नो वर्ग माइनस बीजा पद नो वर्ग तो पहला पद नो वर्ग माइनस बीजा पद नो वर्ग तो फोर प्लस थ्री आई सिक्सटीन माइनस नाइन आई स्क्वेर तो फोर प्लस थ्री आई फोर सिक्सटीन माइनस नाइन माइनस वन तो बराबर फोर प्लस थ्री आई छेदमो मित्रों सोल नौ पच्चीस अलग अलग छेद करो तो फोर बाय ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री बाय ट्वेंटी फाइव आई तो मित्रों तमे ध्यान थी समझो आ टाइप नो दाखलो परीक्षा में तमने हेतु लक्षी में पूछी सके तो तमारे शू के संकर संख्या ना गुणाकार नो व्यस्त मेलवो तो एने शू कहवाय वन अपॉन जेड वन अपॉन जेड शोधो एटले छेदमां शू आवशे आई અને છેદના આઈને દૂર કરવા માટે આની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા વડે ગુણો અને ભાગો હવે મિત્રો છેદની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા લીધી એટલે છેદમાં હંમેશો આ રીતે જ અવયવ પડે આને અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા કો અથવા કરણી કો ચાલે તો પછી છેદના અવયવ શું પડશે તો પહેલા પદનો વર્ગ માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ અને ધીરે ધીરે તમે એનું સાદરૂપ આપી અને દાખલો તમે પૂરો કરી નાખો તો આ ટાઈપનો જે દાખલો છે એ મિત્રો પરીક્ષા માટે ખૂબ અગત્યનો દાખલો છે એટલે એને બરાબર સમજી અને લખી નાખો તમે હવે એવો ને એવો બીજો દાખલો જુઓ વધારે નહીં ગણો મિત્રો દાખલા લિમિટેડ દાખલા ગણીશ થ્રી આઈ છે તો સંકર સંખ્યાના વ્યસ્તનો ગુણાકાર रूट फाइव प्लस थ्री आई रूट फाइव प्लस थ्री आई तो मित्रों एनी करणी आई वाला पदनु चिन्ह बदलवानु बाकी कोई फेरफार करवानो नहीं मित्रों
चिन्ह आपणे आई वाला पदनुं ज बदलीशुं, बीजू पद नहीं। तो रूट फाइव माइनस थ्री आई छेदमो पहला पदनो वर्ग माइनस बीजा पदनो वर्ग तो बराबर रूट फाइव माइनस थ्री आई फाइव माइनस नाइन आई स्क्वेर। तो रूट फाइव माइनस थ्री आई फाइव नाइन आई नी किंमत केटली तो माइनस वन। तो जवाब आवशे तमारो रूट फाइव माइनस थ्री आई अपॉन फोर्टीन, कारण के नौ पांच चौद अलग अलग छेद करो तो रूट फाइव बाय फोर्टीन माइनस थ्री बाय फोर्टीन इंटू आई। એટલે તમે બરાબર સમજી અને મિત્રો દાખલો ગણવાનો પ્રયત્ન કરજો। લખો તો હજુ એક દાખલો છે, ગણી કાઢો કે સંકર સંખ્યા માઇનસ આઈ નો ગુણાકાર માટેનો વ્યસ્ત। તો સંકર સંખ્યા તમને શું આપી છે? માઇનસ આઈ। मित्रों जो माइनस आई राखो तो ही चाले, अने कोई एम के साहब जीरो माइनस आई लखू तो चाले, तो ही चाले मित्रों, तमारी मर्जी। तो वन अपॉन माइनस आई। हम हाल में तमने कीधु के छेदमो सिंगल पद हो आई वालू तो मात्र कोना वडे गुणीन भागवानू, आई वडे, त्यो आपणे अनुबद्ध संकर संख्या लेवानी कोई जरूर छे नहीं। छेदमो आई हो तो आई वड़े गुणो, आई वड़े भागो। तो माइनस आई अपॉन आई स्क्वेर, तो माइनस आई आई स्क्वेर नी किंमत माइनस वन। तो शू जवाब आयो? आई आई लखो तो चाले, अथवा जीरो प्लस आई बेमोथी तमने जे अनुकूल होय ए जवाब लखी अने दाखलो पूरो कर दो। चलो हवे आ वस्तु तमे कायमी नोधो मित्रों, पहला काउंस मो जे बे पद होय, आ खूब ध्यान थी समझो मित्रों, पहला काउंस मो जे बे पद होय एज बे पद बीजा काउंस मो होय, पण शू बदलातु होय? मात्र चिन्ह बदलातु होय। पहला काउंस मो जे बे पद छे गुणाकार मो एज बे पद बीजा काउंस मो होय पण वच्चे मात्र चिन्ह बदलातु होय तो एने कहेवाय तफावतनी रीत। तफावतनी रीते डायरेक्ट लखाय, कोई के साहेब मार तो विस्तरण करवू छे, तो मित्रों जो जवाब एक नो एक आवे, विस्तरण करो ए इंटू ए, ए इंटू बी, बी इंटू ए, बी इंटू बी, तो ए स्क्वेर ए बी, ए बी गया माइनस बी स्क्वेर। एटले विस्तरण करो तो ही चाले, अने तफावतनी रीते अवयव लखो तो ही चाले। हवे छेद जुओ मित्रों, रूट थ्री प्लस रूट टू आई काउंस छोड़ो, माइनस रूट थ्री माइनस माइनस प्लस रूट थ्री आई। जो तफावतनी रीत क्यारे वपराय? गुणाकार होय तो वपराय, सरवाळा बादबाकी माटे तफावतनी रीत वपराय नहीं। हवे जुओ मित्रों, पहला काउंसमो जे बे पद छे एज बे पद बीजा काउंसमो छे, मात्र शू बदलाय छे? चिन्ह। एटले विस्तरण करो तोय चाले, अथवा पहला पदनो वर्ग माइनस बीजा पदनो वर्ग एम डायरेक्ट लखो तोय चाले। डायरेक्ट लखशो तोय चालशे, कोई के साहेब मारे तो विस्तरण करवू छे तो ए पण तमे लखी शको। सादरूप लखीए तो नाइन माइनस फाइव आई स्क्वेर छेदमो फोर रूट टू आई।
तो 9 5 -1 4 रूट टू आई। मित्रों हाल ज बात करी के छेदमो आई चाल से तो नहीं चाले मित्रों, तो छेदमो सिंगल आई हो तो आई वड़े गुणो अने भागो तो 14 आई छेदमो 4 रूट टू आई स्क्वेर, तो 14 आई 4 रूट टू माइनस 1। तो हवे जुओ मित्रों छेदमो आई वालू पद हो तो आई वड़े गुणो अने भागो एटला आटला आयु। हवे छेद उड़ाड़वा छे तो अहींया शू थशे 7 आई अपॉन 2 रूट 2। मित्रों जुओ आ संकर संख्या ए स्वीकार्य छे, पण घणी वखत शू करे छे के छेदमो वर्गमूल ना चाले मित्रों, अने छेदमो वर्गमूल ना चाले एटले छेदमो वर्गमूल वालू जो सिंगल पद होय तो ए पद वड़े गुणीन भागवामां आवे छे तो 7 रूट 2 आई बाय 4 आ रीते पण लखाय। एटले आए जवाब चाले आए जवाब चाले, खाली आपणे गणवानो होय तो मित्रों जवाब स्वीकारे छे, पण घणी वखत तमने जे विकल्प आपेला होय एमो छेदमो वर्गमूल ना होय तो छेदमो जो मित्रों अहींया मात्र आई वाळू पद छे के नहीं, तो छेदमो मात्र आई वाळू पद होय तो आई वडे गुणन भागो, एन छेदमो मात्र वर्गमूल वाळू एक ज पद होय तो ए पद वडे गुणो अने भागो, तो तमारो जे जवाब आयो ए आ रीतना थाय 0 -7 रूट 2/4 इंटू आई। तो आ तमारु क्यूँ स्वरूप थी गयु ए प्लस आई बी एले ए बराबर 0 अने बी बराबर -7 रूट 2/4। एले मित्रों जुओ संकर संख्या में आगळ तमारे स्कूल चालू थाय जीना दाखला गणवा हशे तो हूँ तमने गणाईश मित्रों, पण संकर संख्या नो कोईपण दाखलो होय एक्स वाई जेड सौथी पहलू काम कीधु होय के ना कीधु होय आपेली संकर संख्या ने ए प्लस आई बी स्वरूप में तमारे फरजियात गोठवी पड़े, संकर संख्या ए प्लस आई बी स्वरूप में गोठवाय पछी दाखलो तमारे आगळ गणवानो रहेशे, तो लखी नाखो मित्रों। हवे जुओ मित्रों एवो ने एवो बीजो दाखलो, आना पछी तमे कहो तो एकाद दाखलो हजु गणो पछी आपणे नवा टॉपिक उपर जता रहीए। आपेली संकर संख्या जो मित्रों संकर संख्या छे ने एने मित्रों तमे आम लखो के आम लखो, मित्रों वात एकनी एक छे एमां कोई गुंचवाता नहीं, आई बी लखो तोय चाले ने बी आई लखो तोय चाले, बंने वस्तु एकनी एक छे। हवे मित्रों आपणे वात करी ए प्रमाणे संकर संख्या में ना तो कौंस चाले, संकर संख्या में न तो घात चाले, संकर संख्या में आई वालू पद छेदमय ना चाले, तो अहीं छेदमय आई वालू पद खरु के नहीं, तो मित्रों छेदमय आई वाला पद बे रीते होय, छेदमय मात्र आई होय तो आई वड़े गुणन भागो, पण छेदमय संकर संख्या होय तो मित्रों एनी अनुबद्ध संकर संख्या वड़े गुणो अने भागो, तो छेदनी अनुबद्ध संकर संख्या कई 1 + i√2। एटले अनुबद्ध संकर संख्या नो मतलब शू के आई वाला पद नु शू बदली नाखो चिन्ह, तो कोई उताल कर्या वगर धीरे धीरे लखो √2i 1 - √2i छेदमो अनुबद्ध संकर संख्या छे एले वर्गोनी बात बाकी, कोई उताल नहीं मित्रों आराम थी लखो, चलो विस्तरण करो तो 5 - 5√2i ये तो तमे जानो छो ने विस्तरण, तो पहलू पहला पद साथे पहलू बीजा पद साथे पछी बीजू लो एले √2i इंटू 1 - 2i²
छेदमां वन माइनस टू आई स्क्वेर तो फाइव माइनस थ्री रूट टू आई टू माइनस वन वन माइनस टू माइनस वन मित्रों फाइव प्लस टू एटले सेवन माइनस थ्री रूट टू आई बाय थ्री अलग अलग छेद करो तो सेवन बाय थ्री माइनस रूट टू आई तो तमारे शू करवानू सौथी पहला छेदमा आई वालू पद स्वीकार्य छे ना तो छेदमा आई वाली संकर संख्या होय तो एनी अनुबद्ध संकर संख्या लई अने सादरूप आपो अने छेदना आई ने दूर करीन अलग अलग छेद करो ए तमारू क्यूं स्वरूप थशे ए प्लस आई बी हजू एक दाखलो लखो होय तो झड़पथी गणी काढो आई नी माइनस पांत्रीस घात लगता जाजो आई नी माइनस पांत्रीस घात ने ए प्लस आई बी स्वरूप में दर्शावानी छे तो जोता रहो मित्रों आई नी माइनस पांत्रीस घात मित्रों माइनस घात हो तो एने छेद में लई जाइने प्लस बनाई दो आई नी पांत्रीस घात हवे आपणे वात करी एम के घात आई के ना आई तो मित्रों घात बे प्रकारनी होय एकी घात बेकी घात जो एकी घात होय तो एक आई छूटा पाड़ो बेकी घात होय तो एक आई छूटा पाड़ो अने पछी एने वर्गना स्वरूप में लखी दो तो वर्गनी 17 घात इंटू आई तो माइनस वन नी सत्तर घात गुण्या आई एटले माइनस शू थशे वन अपॉन आई बेकी घात होय तो प्लस थई जाय एकी घात होय तो माइनस हवे मित्रों आपणे वात करी ए प्रमाणे छेदमां आई स्वीकार्य छे ना तो आई वडे गुणो अने आई वडे भागो तो माइनस आई भाग्या आई स्क्वेर आई माइनस वन आई एटले एने लखवू होय तो शू लखो जीरो प्लस आई तो आ मित्रों तमारू क्यू स्वरूप थयू ए प्लस आई बी स्वरूप तो लखी नाखो एने समझी स्वाध्याय नो छेल्लो दाखलो लईए के तमने सरखामणी करवी पड़े मित्रों तो जो डायरेक्ट पछी लखजो पण हाल लखू छू के अही बन्ने बाजू थी वास्तविक भाग अने काल्पनिक भाग ने तमारे मित्रों सरखावानो कायमी माटे याद राखजो मित्रों तो वास्तविक भाग एटला आई सीवाय नो तो शू लखाय फोर एक्स बराबर थ्री तमारू आई सीवाय नो पद एटले फोर एक्स अने अहीं शू लखाय थ्री एटले जुओ तमने एक किंमत तो मळी गई थ्री बाय फोर હવે તમારું આઈના ગુણક વાળું પદ આઈ નહીં લખવાનો તો અહીંયા આઈ નો ગુણક કેટલો કાલ્પનિક ભાગ એટલે થ્રી એક્સ માઇનસ વાય તમે જેમ આમ લખો ને મિત્રો ઝેડ બરાબર એ પ્લસ આઈ બી તો એ છે એ વાસ્તવિક ભાગ યાદ કરજો એના આપણે કીધો તો રિયલ ઝેડ એટલે રિયલ ઝેડ લખો તો માત્ર એ લખાય અને આ જે બી છે એ બીને આપણે કાલ્પનિક ભાગ કીધો છે એટલે ઇમેજ ઇન્દ્રી ઝેડ લખો તો માત્ર બી લખાય આઈ ના લખાય આ યાદ રાખવાનું
तो अहीं जो आई नो गुणक कयो चिन्ह हा साथे तो आई नो गुणक कयो तो के प्लस थ्री एक्स माइनस वाय अहीं आई नो गुणक केटलो तो माइनस सिक्स। चलो एक्स नी किंमत मूको थ्री बाय फोर माइनस सिक्स प्लस वाय तो नाइन बाय फोर प्लस सिक्स वाय ट्वेंटी फोर बाय फोर लसा एटले वाय तमारो आयो तेत्रीस भाग्या चार। तो आ मित्रों तमे बराबर समझी अने लखी दो एटले आ आपणुं पहेलुं स्वाध्याय पूरुं। तो हवे जुओ मित्रों तमने मैं अगाउना लेक्चर में आनी चर्चा करी छे, तमे ध्यानथी जोजो आ मित्रों संकर संख्या छे। तो आ संकर संख्या छे तो आ संकर संख्यानो मानक तो एने आपणे संकेतमां लखीए छे मानक मो झेड अने आना मानकनी व्याख्या आपणे शुं आपीती याद छे वर्गमूळमो वास्तविक भागनो वर्ग प्लस काल्पनिक भागनो वर्ग। आने मित्रों आपणे कीधो संकर संख्यानो मानक अने संकर संख्याना मानकने आपणे आर वडे पण दर्शाईए छीए। आ व्याख्या मैं तमने अगाउना लेक्चर में लखाई दीधेली छे, ना लखाई होय तो पण तमे ध्यानथी समझी लो। सदिश जेवू छे मित्रों, तमे जे सदिश भणता ने टाइपनू छे के कोई पण संकर संख्या होय तो ए संकर संख्यानुं मान अथवा मानक मूल्य जे बोलोय संकर संख्यानुं मान, संकर संख्यानो मानक, संकर संख्यानुं मूल्य तो एने लखाय मानक मो झेड अथवा आर। अने एनो जवाब शुं तो वर्गमूळमो वास्तविक भागनो वर्ग प्लस काल्पनिक भागनो वर्ग। हवे झेड बराबर एक्स प्लस आई वाय नी अनुबद्ध संकर संख्या तो एनो संकेत छे मित्रों तमने लखायेलू छे बधु झेड उपर बार लखवानो आ लखायेलू छे पण एक वार समझी लेजो। तो मित्रों अनुबद्ध संकर संख्या तमारे लखवानी होय तो जे तमारू आई वाळू पद छे ए आई वाळा पदनू चिन्ह बदलो एटले शुं लखाय एक्स माइनस आई वाय। तो आने कहेवाय अनुबद्ध संकर संख्या। हवे मित्रों मारे ए तमने कहेवुं छे के जो तो थीअरी भागमां आगळ वधीए छे के संकर संख्या झेड बराबर एक्स प्लस आई वाय ने याम समतल मो बिंदु एक्स वाय स्वरूपे दर्शावी शकाय छे। आ याद राखजो मित्रों के कोई पण संकर संख्या होय तो ए संकर संख्या ने तमे बिंदु स्वरूपे दर्शाई शको। मित्रों आ खूब ध्यान थी समझो एटले गम्मे त्यारे याद राखजो के झेड बराबर वन माइनस थ्री आई होय, झेड बराबर रूट टू प्लस टू आई होय, झेड बराबर माइनस आई होय तो मित्रों आने बिंदु स्वरूपे दर्शावू होय तो मित्रों एने बिंदु स्वरूपे दर्शावानी रीत जोजो के पहलो तमारे वास्तविक भाग लखवानो जे होय ते, ना होय तो जीरो लखवानो। प्रथम वास्तविक भाग लखो अने पछी काल्पनिक भाग लखो, वास्तविक भाग लखो, काल्पनिक भाग लखो, चिन्ह लखवानो पण वास्तविक भाग में
આઈના, અરે સોરી, કાલ્પનિક ભાગ લખો તો કાલ્પનિક ભાગમાં આઈને લખવાનો નહીં. તો અહીંયા મિત્રો આઈનો ગુણક માઇનસ થ્રી, આઈનો ગુણક પ્લસ ટુ, આઈનો ગુણક માઇનસ વન. તો તમે કોઈ પણ સંકર સંખ્યા હોય તો એને યામ સમતલના અનન્ય બિંદુ સ્વરૂપે તમે દર્શાવી શકો છો. એટલે તમને કોઈ પણ જગ્યાએ હેતુલક્ષી પ્રશ્ન આવે કે સંકર સંખ્યા માઇનસ આઈ એ ખાલી જગ્યા ચરણમાં છે, સોરી કોઈ પણ એક સંખ્યા આ ના આવે મિત્રો, આ અક્ષ ઉપર આવશે, તો સંકર સંખ્યા વન માઇનસ થ્રી આઈ એ ખાલી જગ્યા ચરણમાં છે તો એ કયા ચરણમાં જાય મિત્રો? તો વન માઇનસ રૂટ થ્રી એટલે કયું ચરણ થાય? ચોથું. આપણે સમજવું હોય તો દર્શાવીએ, પછી આપણે બીજી ચર્ચા કરીએ. એક્સ અક્ષ, વાય અક્ષ અને આ મિત્રો આપણું ઓરિજિન, ઉગમ બિંદુ ઝીરો ઝીરો. હવે તમે અહીંયા બિંદુ લખો એક્સ વાય, તો આ સંકર સંખ્યા થઈ એક્સ પ્લસ આઈ વાય. જોતા રહેજો મિત્રો. બીજા ચરણમાં એક્સ યામ કેવો? માઇનસ. વાય યામ કેવો? પ્લસ. તો આ સંકર સંખ્યા શું થઈ? આઈ વાય. ત્રીજું, ત્રીજા ચરણમાં બિંદુ શું લખાય? માઇનસ એક્સ માઇનસ વાય. તો એને અનુરૂપ સંખ્યા કઈ? માઇનસ આઈ વાય. અને આ મિત્રો આપણું ચોથું ચરણ, એક્સ માઇનસ વાય. તો એને અનુરૂપ સંકર સંખ્યા થાય એક્સ માઇનસ આઈ વાય. જોતા રહેજો, ખૂબ ધ્યાનથી જોતા રહેજો મિત્રો. પછી અહીંયા આવો તો આના યામ શું લખાય? એક્સ ઝીરો. તો આને શું લખાય? એક્સ પ્લસ ઝીરો આઈ. એટલે એક્સ લખો તોય ચાલે. અહીંયા શું લખો? માઇનસ એક્સ ઝીરો. તો માઇનસ એક્સ પ્લસ ઝીરો આઈ બરાબર માઇનસ એક્સ. અહીંયા યામ લખો તો શું લખાય મિત્રો? ઝીરો વાય. તો ઝીરો પ્લસ આઈ વાય એટલે એને શું લખાય? આઈ વાય. અને અહીંયા તમે યામ લખો તો ઝીરો માઇનસ વાય, તો ઝીરો માઇનસ આઈ વાય બરાબર શું લખાય? માઇનસ આઈ વાય. તો મિત્રો તમે ખૂબ ધ્યાનથી સમજો કે ચરણમાં બિંદુ હોય તો, અક્ષ ઉપર બિંદુ હોય તો. હવે આ એક્સ અક્ષ છે, એને આપણે વાસ્તવિક અક્ષ કહીએ છીએ, અને વાય અક્ષ છે એને આપણે કાલ્પનિક અક્ષ કહીએ છીએ. આ ખૂબ ધ્યાનથી સમજો મિત્રો. એક્સ અક્ષ એ તમારો વાસ્તવિક અક્ષ, વાય અક્ષ એ તમારો કાલ્પનિક અક્ષ. કોઈ કે સાહેબ એ ખબર ના પડી તો જુઓ મિત્રો, તમે યામ શું લખો છો? એક્સ વાય. સંકર સંખ્યા શું લખો છો? એક્સ પ્લસ આઈ વાય. તો એક્સ એ કયો ભાગ? વાસ્તવિક. તો એક્સ એટલે કયો યામ? એક્સ અક્ષ નો યામ. એટલે એક્સ અક્ષ એ તમારી વાસ્તવિક અક્ષ થશે અને વાય અક્ષ એ તમારી કાલ્પનિક અક્ષ થશે. એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ તમને બિંદુ દર્શાવવાનું કે અથવા એમ કહેવામાં આવે કે સંકર સંખ્યા કયા ચરણમાં છે, કયા અક્ષ ઉપર, તમે આમ લખી શકો કે આ એક્સ વાસ્તવિક અક્ષની ધન દિશા, વાસ્તવિક અક્ષની ઋણ દિશા, કાલ્પનિક અક્ષની ધન દિશા, કાલ્પનિક અક્ષની ઋણ દિશા, પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથું ચરણ. તો આમાં તમને કોઈને પ્રશ્ન હોય તો બોલો. ફરી એકવાર જોઈ લો મિત્રો, આ વાસ્તવિક અક્ષ, આ કાલ્પનિક અક્ષ,
અહીંયા તમારું બિંદુ હોય તો પ્લસ એક્સ વાય, અહીંયા તમારું બિંદુ હોય તો માઇનસ પ્લસ, ત્રીજું ચરણ હોય માઇનસ માઇનસ, ચોથું ચરણ હોય એક્સ માઇનસ. આ તો તમે જાણો છો. હવે આ સંકર સંખ્યાને લખવી હોય તો બીજા યામ સાથે આઈ જોડી દો, તો માઇનસ એક્સ પ્લસ આઈ વાય, માઇનસ એક્સ માઇનસ આઈ વાય અને એક્સ માઇનસ આઈ વાય, આ પહેલો ભાગ. હવે મિત્રો, જો તમે એક્સ અક્ષ ઉપર જતા રહો તો આ એક્સ ઝીરો થઈ જાય, આ માઇનસ એક્સ ઝીરો થઈ જાય, આ ઝીરો વાય થાય અને આ ઝીરો માઇનસ વાય થાય. તો હવે એને સંકર સંખ્યામાં લખો તો ખાલી શું આવે, એક્સ પેલું તો ઝીરો, અહીંયા શું આવે આઈ વાય, અહીંયા શું આવે માઇનસ આઈ વાય, અહીંયા શું આવે માઇનસ એક્સ. તો સંકર સંખ્યાને ચરણમાં અને યામ સમતલમાં એટલે કે અક્ષ ઉપર કઈ રીતે દર્શાવી, તો એ મેં તમને લખાણ લખ્યું. એટલે સંકર સંખ્યાને તમે બિંદુ સ્વરૂપે લખી શકો અને બિંદુને તમે સંકર સંખ્યા પ્રમાણે પણ આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે ગમે ત્યારે લખી શકો. એટલે સંકર સંખ્યાને બિંદુમાં ફેરવી શકાય, બિંદુને સંકર સંખ્યામાં ફેરવી શકાય. તો હવે તમને આર્ગણ સમતલ અથવા સંકર સમતલ ની આપણે ચર્ચા કરીએ. કે જો મિત્રો, જો યામ સમતલના બિંદુ એક્સ વાય ને અનન્ય સંકર સંખ્યા એક્સ પ્લસ આઈ વાય સાથે સાંકળતો મળતા સમતલને આર્ગંડ સમતલ અથવા સંકર સમતલ કહે છે. એક્સ અક્ષને સંકર સંખ્યાની વાસ્તવિક અક્ષ કહે છે તથા એક્સ અક્ષ પરની સંકર સંખ્યાને એક્સ પ્લસ ઝીરો આઈ વડે દર્શાવી શકાય. તે જ રીતે વાય અક્ષને સંકર સંખ્યાની કાલ્પનિક અક્ષ કહે છે તથા વાય અક્ષ પરની સંકર સંખ્યાને ઝીરો પ્લસ આઈ વાય વડે દર્શાવી શકાય. તો આટલું લખાણ તમે લખી અને આકૃતિ દોરી દો, બાકીની ચર્ચા પછીના લેક્ચરમાં આપણે કરશું.
तो आ एक्स अक्ष आ वाई अक्ष अने आ आपणो मित्रो उगम बिंदु जीरो जीरो अने आ जे आपणे बिंदु मळ्युं याम समतलनुं एने आपणे कहीए पी एक्स वाय एटले ए संकर संख्या आपणी छे एक्स प्लस आई वाय। तो आ जे मित्रों तमे लख्यो हो हुं लखतो नथी, आ वास्तविक अक्ष है आ काल्पनिक अक्ष है। अहींया एक्स जीरो एटले खाली एक्स प्लस जीरो आई, माइनस एक्स प्लस जीरो आई, जीरो प्लस वाई आई, जीरो माइनस वाई आई, अहींया एक्स वाय माइनस एक्स वाय माइनस एक्स माइनस वाय एक्स माइनस वाय। आ तो तमे जाणो छो एटले आटलू समजीने लखी नाखो, पछीना लेक्चरमां एथी आपणे આગળ વધીશું મિત્રો।